हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक अनदर ब्लॉग में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टी मैक्स ब्लॉग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी एक ऐसे चचा से मिलाने वाला हूँ। ये वही चचा है जिन्हें भोसड़ी वाले चचा कहते हैं। तो चलिए मैं उनके पास लेके चलता हूँ आपको। तो आइए देखिए, ये वही चचा है, भोसड़ी वाले चचा। बोलिए, वो दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, आपको जब उसमें बात करके बोलना पड़ेगा। बोलिए। राम किशन प्रणाम। क्या? राम किशन प्रणाम। ये भोसड़ी वाले चाचा कम बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर इनका आवाज़ आपके पास नहीं जाता है तो हम लाउड स्पीकर लगवा देंगे और सुनिएगा लाउड स्पीकर से कि ये क्या बोल रहे हैं। चलिए बोलिए, एक गाना सुनाइए। तो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, ये आपसे बोल रहे हैं कि गाना सुनना चाहते हैं। तो आप सुना कर दिखाइए इनको कि आप क्या गा रहे हैं और कौन सा गाना आपको फेवरेट है। बोलिए गाना। जैसे अभी चल रहा है ना गाना, धोड़ी चटनावा गाना चल रहा है, सुनेगा ना धोड़ी चटनावा। तो ये दर्शक आपसे यही गाना सुनना चाहते हैं, तो आप इन दर्शक को ये गाना आप सुनाइए। चलिए। अरे भोसड़ी वाले चाचा, राम कृष्ण परमहंस नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं गाना गाइए। ये चाचा है सही में भोसड़ी वाले, इनको हम कहते कुछ है और सुनते कुछ है। चलिए बोलिए, देखते हैं शकल से कितने मासूम दिखते हैं, लेकिन ये मासूम है ही नहीं, इनके मासूमियत पे मत जाइएगा। गाना आपको गा के जाना है, बिना गाने गाना गाए हुए आपको यहाँ से हिलने नहीं देंगे। क्या तुम हमारा वीडियो के भाई, गाली नहीं देना, गाली दोगे ना तो उधर से पुलिस आ जाएगा। हाँ, पुलिस पकड़ के लेकर चल जाएगा। चलिए डांस एक डांस होना चाहिए। डांस दिखाओ। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी देखा हमारे वीडियो में कि मैं एक चाचा के साथ बात कर रहा था, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उनके साथ अभद्रता और गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो वीडियो बनाया है उनके परमिशन से ही बनाया, और सबसे बड़ी बात तो है कि उनका जो बेटा है वो खुद ये परमिशन दिए थे। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि हुआ क्या था। बात यह है कि गाइस, मैं जब वहाँ पे उनके शॉप पे गया तो उनका बेटा बोल रहे थे कि मेरे पापा जो है बहुत कम बात करते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हैं, तो आप ब्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा देखिए उनको, ट्राई करके उन्हें हंसाने की कोशिश कीजिए और आप उनसे बात करके देखिए कि वो कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि अगर नॉर्मली बात अगर किया जाए तो फिर मे भी कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैंने ऐसा ट्राई किया दोस्तों। और वो थोड़ा उनका दिमागी हालत ख़राब है और थोड़ा बहुत दिमाग से मतलब वीक है, तो मैंने उन्हें हंसाने की कोशिश की। और अपने वीडियोज़ में देखा ही होगा कि वो थोड़ा स्माइल लाए थे, और मैंने उन्हें गाने के लिए भी बोला, तो वो गाना गाया तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब थोड़े से फेस पे स्माइल का एक्सप्रेशन उनके फेस पे दिखा होगा। और मैंने उन्हें डांस करने के लिए बोला और डांस भी उन्होंने किया। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँगा जिससे मतलब लोगों को दुख पहुँचे और उन्हें देख कर उन्हें मतलब मिसबिहेव जैसा कुछ ऐसा फील हो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, और मैं बस यही बोलूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए लोकेशन और एक नए लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।